बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है इंतहा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने ये देखना है कि जो पैडी के लिए कैसे किस किस्म के हार्वेस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, थ्रेशर्स कैसे यूज़ की जाती है, बेसिकली जो हमारी धान की फसल है, राइस क्रॉप है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, उसकी थ्रेशिंग कैसे होती है, इसके साथ साथ उसकी विनोइंग, उसकी फील्ड क्लीनिंग, बेसिकली ये जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, यानी कि आपका हार्वेस्टिंग, हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना है जिससे क्या हो कि आपका फार्म से फोर्क तक जो लॉसेस हैं हमारी क्रॉप्स के, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, वो मिनिमम से मिनिमम हो। हमने यानी कि उसका स्टोरेज टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, थ्रेशिंग इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, तो इन चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे के ये जो आपका बेसिकली जो हार्वेस्टिंग है क्या, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, व्हेन टू हार्वेस्ट, हाउ टू हार्वेस्ट, एंड देन वी विल स्टडी द हार्वेस्ट लॉसेस, एट द एंड देयर विल बी रिकमेंडेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग क्या है, द रिमूवल ऑफ, बेसिकली हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिकल पार्ट फ्रॉम द प्लांट। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एंटायर प्लांट और इकोनॉमिक पार्ट आफ्टर मैच्योरिटी फ्रॉम द फील्ड। तो डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है डिफरेंट है। टोबैको के अंदर आपकी पूरी टोबैको इंडस्ट्री है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है, या व्हाटएवर दूसरी इंडस्ट्रीज है, वहाँ लीव आपका इकोनॉमिकल पार्ट है। कॉटन के अंदर आपका क्या है, लिंट आपका इकोनॉमिकल पार्ट है। वीट के अंदर आपके वीट सीड्स इकोनॉमिकल पार्ट है। शुगर केन के अंदर शुगर केन का स्टेम है, इकोनॉमिकल पार्ट है। पोटैटो के अंदर पोटैटो ट्यूबर आपका इकोनॉमिकल पार्ट है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ कटिंग, पिकिंग, प्लकिंग, डिगिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर रिमूविंग द यूजफुल पार्ट और इकोनॉमिक पार्ट फ्रॉम द प्लांट्स। The portion of stem that is left in the field after harvest is called as stubble. जो भी plant material after harvesting field में रह जाता है वो हमारे stubbles होते हैं, crop stubbles होते हैं, उसको फिर हम tillage implements के जरिए ज़मीन में incorporate भी कर देते हैं, या बाज़ों का जैसे गंदम है उसका straw जानवरों के लिए refuges के तौर पर use किया जाता है, इस तरह rice straw को भी use किया जाता है different किस्म की packaging के अंदर, corn का जो straw है उसको भी जलाने के तौर पर भी use किया जाता है, whatsoever। मगर एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्रॉप रेजिड्यूज हैं उसके ऊपर ज़मीन का हक होता है। अगर हम उनको ज़मीन में इंकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो इन्हांस होगी और हम सस्टेनेबल बेसिस पे गुड यील्ड अपनी सॉइल से ले सकेंगे। इकोनॉमिक प्रोडक्ट में भी जैसे मैं आपको बताया, वो ग्रेन भी हो सकता है, वो सीड भी हो सकता है, वो लीव्स भी हो सकते हैं, वो रूट्स भी हो सकती हैं। जैसे कैरेट के अंदर, रेडिश के अंदर जो रूट्स हैं हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है, ठीक है। Basically, harvesting is the process of collecting the mature crop from the field. It involves the cutting. अगर हम पैडी की बात करें तो उसमें कटिंग है वो क्रॉप की, यानी कि कटिंग आ जाएगी उसकी पेनिकल्स की, हॉलिंग है, मूविंग द कट क्रॉप टू द यानी कि थ्रेशिंग एरिया, उसके बाद थ्रेशिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं क्रॉप रेजिड्यूज से, उसके बाद क्लीनिंग है जो ग्रेन्स के अंदर इनर्ट मैटर है, जो स्ट्रा के पार्टिकल्स हैं, जो वीड सीड्स हैं, जड़ी बूटियों के सीड्स हैं, उनको अलग करते हैं, उसके बाद हम उसको फील्ड में ड्राई करते हैं, एक बार बैठे अपने पल्ले बांधते हैं, जो भी ग्रेन चाहे वो कॉर्न के ग्रेन्स हैं या मेज जिसे हम कहते हैं, वीट के ग्रेन्स हैं, बार्ले के ग्रेन्स हैं, किनवा के ग्रेन्स हैं, जो भी ग्रेन्स हैं, जब हमने उसे स्टोरेज में रखना है तो उसके जो मॉइस्चर कंटेंट है 12% से बिलो हो, उसमें नमी का तनासब 12% से कम हो। And then there will be stacking या that involve piling, यानी कि basically temporary storage, जैसे हम potato की कर लेते हैं या दूसरी crops की field के अंदर कुछ अर्से के लिए storage कर लेते हैं कि अच्छा market rate मिलेगा तो उसको फिर हम sell out कर लेंगे, नहीं तो हमारे मुल्क में अक्सर तो यही होता है कि जो farmer होता है बेचारा उधार पे उसने वो सब चीज़ें ली होती हैं तो फटाफट जैसे produce आता है उसको sell out करता है, फिर next crop के लिए उसको करता है, नहीं तो लोग कोल्ड स्टोरेजेस अवेलेबल हैं फॉर, अगर पोटैटो की बात करें, कॉर्न की बात करें, साइलोज अवेलेबल हैं स्टोरेज के लिए, वीट की बात करें तो घर के अंदर वो मिनी, हम अपने घर की जो गंदम रखते हैं वो भी हम स्टोर ही करते हैं उसमें। नाउ डिफरेंस वी विल मूव टुवर्ड्स द गुड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। एट हार्वेस्ट द क्वालिटी ऑफ राइस इज बेस्ट, फ्रॉम देन
ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, डिट्यूडेट होगी, इसकी क्वालिटी कम होगी, बेसिकली कैसे, जब ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा होगी, ग्रेन का जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, उसका इम्पैक्ट आपकी ग्रेन क्वालिटी पे आएगा। एफ्लाटॉक्सिन, आप मक्की या कॉर्न है उसकी ग्रेन पे थोड़े बहुत एफ्लाटॉक्सिन हो जाए, और उस जो इन्फेक्टेड कॉर्न ग्रेन है जिनके ऊपर फंगस लगा हुआ है उसका पोल्ट्री फीड बन जाए, पूरा पूरा कंट्रोल शेड अगर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो फीड अगर मुर्गी खा लें तो वहीं ख़त्म हो जाती है। That involves the heat buildup from mold and insect involvement, discoloration of grains, cracking from re-wetting of dry grains, loss of vigor, यानी कि seed दोबारा germinate होने काबिल भी नहीं रहता, और इसके बाद shedding losses हो जाते हैं। तो basically हमने काम क्या करना है, हमने अपने losses को minimize करना है और grain quality को improve करना है, चाहे वो seed के लिए हम रख रहे हैं उसकी germination अच्छी होनी चाहिए या whatever दूसरी किसी चीज़ के लिए, यानी कि जो उसके अंदर vitamins, minerals ग्रेन में है उनको इंटैक्ट रखना। ये हमारे मुल्क में जो मैनुअल सिस्टम बैठे है राइस के वाले से चलता है, हाथ से उसकी सिकल के साथ दरांती के साथ कटिंग की जाती है, फिर ड्रमों के ऊपर मार मार के इनके जो ग्रेन्स हैं वो अलग किए जाते हैं। नो डाउट छोटी बोट अब थ्रेशर्स भी अवेलेबल हैं जो जिनके जरिए इजीली हम ये ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं स्टेम से। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर भी हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये थ्रेशर के साथ लोग कर रहे हैं, उसके बाद उसकी विनोइंग कर रहे हैं कि उसके अंदर विनोइंग, जैसे हमारे घर में वो छज होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं ना, हवा के अंदर से उड़ाते हैं तो मट्टी जो लाइट पार्टिकल जब दूर चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ इसकी यानी कि लेबर रिक्वायरमेंट नो डाउट हाई है, अगर हम ये वाला यानी कि मैनुअल लेबर करेंगे तो लेबर रिक्वायरमेंट हाई है। इसके बाद कंबाइन हार्वेस्टिंग के अंदर एक ही ऑपरेशन में हमारी क्रॉप की कटिंग भी हो जाएगी, उसकी यानी कि हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, साथ साथ उसकी थ्रेशिंग भी हो जाएगी। मगर एक बात याद रखनी है, अगर आप लोग कोई थ्रेशर यूज़ कर रहे हैं, जो थ्रेशर यूज़ कर रहे हैं या जो कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं, उसको ये देखना है वो आपकी जो क्रॉप की जो उसकी जो फ्रेश होकर सीड आपके पास आ रहा है उसकी ब्रेकेज तो नहीं करें। बाज़ बाज़ ये कटर ब्लेड जिनके पुराने हो जाते हैं वो उसे रिप्लेस काम भी नहीं करते, तो क्या होता है जो हमारा सीड है ये उसको तोड़ना शुरू कर देती है। बाज़ का ये होता है अगर कंबाइन हार्वेस्टर आप यूज़ कर रहे हैं धान के अंदर, आपने ये नहीं कान में तेल डाल के बैठ देना कि बस हमने हार्वेस्टर लगा दिया अब हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी। अक्सर ये जो कंबाइन हार्वेस्टर, आपको पता है कि हम लोग फार्मर इसे अपने फार्मर के जाते नहीं होते, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आप लोगों को ये कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा होता है जो बैक पे जो रेजिड्यूज निकाल रहा होता है ना उसके अंदर ग्रेन्स भी आ रहे होते हैं पीछे बैक पे फेंक रहा होता है। तो जो भी आपने कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ करना है पहले उसको थोड़े से एरिया पे चला के उसको चेक करना है कि आया ये वेस्ट के अंदर ग्रेन्स तो नहीं जाया कर रहा, और उसके बाद क्या चेक करना है कि आया ये जो ग्रेन ये जो है जो आपकी फसल के जो क्रॉप के ग्रेन्स हैं उनको ब्रेक तो नहीं कर रहा, उनको तोड़ तो नहीं रहा। अगर तोड़ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, जब कोई भी ग्रेन टूट जाता है उसका सीड को डैमेज हो जाता है तो वहाँ जो डिजीज का अटैक भी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है टू इंसेक्ट अटैक, यानी कि आपने अपनी मशीनरी को ऑप्टिमाइज करके ही हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करनी है। व्हेन टू हार्वेस्ट, कब हार्वेस्ट करना है, जब हमारे ग्रेन्स का जो मॉइस्चर है 20-25% पे आ जाए और आपका जो स्ट्रा का कलर है, क्रॉप का जो कलर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, वो यानी कि स्ट्रा कलर की हो जाए, यानी कि ब्राउनिश येलोइश कलर की हो जाए। द ग्रेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेनिकल आर इन द हार्ड अप स्टेज, जो नीचे वाले हिस्से के ग्रेन्स हैं उनको प्रेस करें तो उसमें से हार्ड किस्म की पेस्ट सी निकले। तो इसके लिए मैनुअल जो आपकी कटिंग की जाती है बेटे वो तो ये दरांती के साथ की जाती है, ये लेबोरियस काम है। अब देखें दुनिया के अंदर अगर यूएसए की बात करें सिर्फ 4% लोग वहाँ की फार्मिंग करते हैं और पूरी दुनिया को यूएसए फीड करता है। पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है हम नारे लगाते हैं, हमारी तकरीबन 70% आबादी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के साथ, और आप खुद देख लें गंदम का हाल या दूसरी वेजिटेबल्स का हाल कि हमें अक्सर कुछ काफ़ी सारी कमोडिटीज बाइक से इंपोर्ट करने जाती है क्योंकि हम एग्रीकल्चर को इनोवेटिव एग्रीकल्चर के तौर पर नहीं लेके जा रहे हैं, वही हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लेके जा रहे हैं, हम मैकेनाइज एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जा रहे। लोगों ने क्या किया, डेवलप कंट्रीज ने क्या किया, ये लेबर को फील्ड के अंदर नहीं, ये जो इतनी लेबर को 70% लोगों को उन्होंने फील्ड में एग्रीकल्चर के काम के लिए झोंका हूँ, उन्होंने लेबर को किधर कन्वर्ट किया, अपनी लेबर को ट्रेन करके इंडस्ट्रीज में ले गए हैं ताकि वो रोल प्ले कर सकें मुल्क के, ये जो कंट्रीब्यूट कर सकें मुल्क की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, और एग्रीकल्चर की मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैकेनाइजेशन पे लग गए हैं
जो चीज मशीन कर सकती है जरूर उधर हमने आदमी को लगा के काम करवाना है, इनको हम इन मेल लेबर फीमेल लेबर को हम यूज कर सकते हैं अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर या व्हाट्स एवर दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। अब पाकिस्तान में भी इश्यूज आ रहे हैं कि लेबर की अवेलेबिलिटी फसल की हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर जो गंदम गिरी है उसको अब हमें मजबूरी है कि उसे हमने लेबर से हार्वेस्ट करवाएंगे, तो ये डिफरेंट किस्म के रीपर्स अवेलेबल हैं बजाय क्रांती के साथ काटने के फसल, हम ये रीपर्स को यूज करके जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं तो इनके जरिए भी हम क्रॉप को काट सकते हैं। टाइम सेविंग है, लेबर सेविंग है, तो इसके साथ ये मैनुअल थ्रेशिंग का जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, तो इस तरह ये ड्रमों पर मार के, या पहले जमाने में ये होता था पक्की फसल को काट के कहीं बड़े से मैदान में रख देते थे, पक्के फर्श पर रख देते थे, उसके ऊपर फिर बैल चलते रहते थे, वो पैरों के जो पांव जो इनके खुर होते हैं बेसिकली उनकी ट्रैम्पलिंग के साथ वो ग्रेन अलग हो जाते थे, उसके बाद फिर उन उसको घुस को और दानों को हवा में उड़ाते थे लोग, घुस एक तरफ हो जाता था, स्ट्रा एक तरफ हो जाता था, यानी कि रेसिड्यूज एक तरफ हो जाते थे और दाने एक तरफ हो जाते थे। तो ये थोड़ा सा पैडल थ्रेशर है, ठीक है, इसमें आपको यानी कि बीटिंग एक्शन नहीं है, ये वैसे ही आपको यानी कि रोटेट करती है, तो उसके साथ ग्रेन इसको पर रख देते हैं तो इजीली क्या होता है थ्रेशिंग हो जाती है। अब दुनिया के अंदर तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जहाँ डीप फ्रीजर यूज किया जाता है, जब आप झुकेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो ये है बैकबोन के भी फ्यूज आ जाते हैं। तो दुनिया के अंदर हाथ का स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर यह है, ये इससे बीटिंग एक्शन से जो ड्रमों पे मारने से उसमें भी लॉन्ग रन जो लेबर काम करती है उनकी हेल्थ के भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये फिर एक्सेल प्रो थ्रेशर है जिससे हम राइस के सीड को अलग करते हैं क्रॉप रेजिड्यूज से, ठीक है। ये फिर विनोइंग करते हैं, सीड के अंदर कोई बारीक जड़ी बूटियों के बीज हैं या स्ट्रा है वो अलग हो जाए। क्लीनिंग के लिए ये भी बेसिकली विनोर का काम करता है, इसमें फैन लगा होता है, तो इससे क्या होता है जो आपका सीड, ये देखें एक तरफ डर्टी सीड है जिसमें, और जब इसमें से ग्रो गुजारेंगे तो हवा की मदद से जो लाइट पार्टिकल्स होंगे जो डस्ट होगी सब कुछ अलग हो जाएगा और साफ सुथरा सीड आपके पास अवेलेबल होगा, चाहे उसको आप खाने के लिए रखें या नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए। तो कंबाइन हार्वेस्टिंग ये 4 से 8 हेक्टेयर एक दिन के अंदर ये हार्वेस्ट कर देता है। तो बेसिकली जो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये कटिंग और थ्रेशिंग क्लीनिंग ये सब कुछ एक ही टाइम पे कर रहा होता है, तो इसकी कैपेसिटी यानी अच्छी कैपेसिटी है, मगर ये एक नो डाउट ये जब इतना वजनी होता है हमारे फील्ड के ऊपर कंपैक्शन का थोड़ा बहुत इशू होता है, तो गीली जमीन पर हमने इसे नहीं चलाना, गीली जमीन चलाएगी तो कंपैक्ट जमीन हो जाएगी। आपको पता है जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं इंक्लूडिंग राइस सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, जमीन से लेती है, और ऑक्सीजन जमीन में कौन से पोर स्पेसिस में होती है, मैक्रो पोर स्पेसिस में होती है। जब ये हैवी मशीनरी गीली जमीन पर चलती है तो क्या होता है वो पोर स्पेसिस बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिपर हार्वेस्टिंग, ये छोटी हार्वेस्टिंग मशीन अवेलेबल हैं जिनसे हम राइस की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और कटिंग के दौरान जब हम इसकी फसल को रीपर के साथ काटते हैं या उसके साथ सिकल के साथ काटते हैं, ओवर मेच्योर क्रॉप नहीं कर लेंगे राइस की, ओवर मेच्योर कर लेंगे तो शैटरिंग हो जाएगी, दाने पौधे से खुद ब खुद ही नीचे गिर जाएंगे, आपका जो यील्ड कम आएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब सेपरेट करने थ्रेशिंग का जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया तो उसकी जो स्पीन्स हैं उसके कटर्स हैं थ्रेशर्स के या कंबाइन हार्वेस्ट के बिल्कुल ठीक हों ताकि लॉसेज मिनिमम हो। अब हमारी रिकमेंडेशन आज के इस प्रैक्टिकल क्या है कि हार्वेस्ट एट राइट टाइम एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम हो, अगर आपके प्लांट के मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होंगे तो क्या होगा थ्रेशर के अंदर बाद पौधे फंसना शुरू हो जाते हैं, वो जब कटर्स होते हैं रूटर्स होते हैं लगे होते हैं थ्रेशर के अंदर, वो प्लांट मटीरियल क्योंकि ड्राई नहीं होता वो उनके ऊपर लिपट जाता है, ठीक हो गया। तो जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट 20 से बिलो आए आपने फिर ही उसकी थ्रेशिंग करनी है और फिर ही हार्वेस्टिंग करनी है, 18 के करीब हो फिर उसकी यानी कि थ्रेशिंग वगैरह करनी है, हार्वेस्टिंग जब 20-22 हो तो हार्वेस्टिंग करनी है, 18 से तो मुझे थ्रेशिंग करनी है। अवॉइड स्टैकिंग द क्रॉप इन द फील्ड, अगर क्रॉप ऐसे ढेर लगा के रख देंगे तो नीचे वाले जो प्लांट्स होंगे उनमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फंगल डिजीज आ जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये ना हो कि हार्वेस्टिंग के बाद आपकी फसल को 2 हफ्ते पड़ी है जी थ्रेशिंग में थ्रेशर नहीं मिल रही, बारिश आ जाए सारा सत्यानाश हो जाएगा पूरे ढेर का। यूज़ द प्रॉपर मशीन सेटिंग व्हेन यूजिंग थ्रेशर, यानी जो भी थ्रेशर यूज़ करें प्रॉपर हो उसका जो उसका ब्लोअर फैन उसकी ईच एंड एवरी थिंग थ्रेशर की सही वर्क कर रही हो। ये ना हो अगर उसका फैन ब्लोअर खराब है तो आपका जो वीड सीड सब कुछ वो एक तरफ तूड़ी के साथ नहीं निकाला गया वो सारा आपके सीड के अंदर मिक्स कर देगा,
थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को अच्छी तरह क्लीन कर लें क्लीनर के साथ या उसको विनोइंग के साथ, और थ्रेशिंग के फौरन बाद फसल को आपने सीड्स को ड्राई करना है, ड्राई करके फिर स्टोर करना। थ्रेश एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग हैंड थ्रेश एट लोअर मॉइस्चर, प्लेस अ लार्ज कैनवस अंडर द थ्रेशिंग फ्रेम टू मिनिमाइज शेडिंग लॉसेस। ठीक है, तो हमने नीचे कोई ऐसा कोई पॉलीथीन शीट वैसी चीज बिछानी है ताकि लॉसेस ग्रेन की शेडिंग के कम से कम हो। थ्रेश एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग है, ठीक है, जैसे कटिंग करें फौरन उसे थ्रेश करें ताकि शेडिंग लॉसेस कम से कम हो। सेट उसकी जो मशीन का जो आरपीएम रखना है 600 आरपीएम हमने मशीन का रखना है। ये थोड़ा सा प्रेशर पर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये जो आपका कंबाइन हार्वेस्टर है ये इसमें इसकी रील होती है, तो प्लांट इसे इधर से जब ये रील घूमती है ये आगे से प्लांट को उसके पास से काटता है, ये इसको उनके ढेर सा बना के प्लांट्स का उसको आगे मूव करती है। आगे रोलर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, ये पूरा प्लांट मटीरियल आगे चला जाता है। इधर ये स्क्रीन्स लगी होती हैं जो क्या करती हैं कि सीड्स को प्लांट मटेरियल से अलग करती हैं, और सीड आकर किधर आ जाते हैं, इधर नीचे आ जाता है। इधर से एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो सीड को उठा के इधर स्टोरेज बॉक्स में डालता है, और जो बाकी रेजिड्यूज होते हैं जो ये जालियों से आगे गुजर जाते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज प्लांट क्रॉप के बाकी रेजिड्यूज होते हैं या अगर अगर क्रॉप सीड या अगर बीट सीड होते हैं वो बैक साइड पर निकलते रहते हैं। अगर ये स्क्रीन ये जालियाँ ख़राब होंगी तो क्या होगा कि आपका धान का बीज राइस का सीड भी बाहर पीछे आने लग जाएगा। इसको आपने लाजमी चेक कर लेना, क्योंकि मशीन है तो इसके अंदर कुछ हो, और बाद में दो चार एकड़ करके ये एक डेढ़ एकड़ करके जब इसका ये स्टोरेज टैंक फिल हो जाता है तब हम इसको अपने फार्म पे ले जाके इसको जहाँ ग्रेन हमें ड्राई करने रिसर्च वाले। तो मैं स्टूडेंट्स में उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना खुद ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आप सबको।